हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ ये हेल्दी मूंग दाल का डोसा। तो चलिए आज इसे बनाते हैं। सुबह या शाम के नाश्ते आप किसी भी इसे बना के खा सकते हैं। मूंग दाल का डोसा बनाने के लिए यहाँ मैंने छिलके वाली टूटी मूंग की दाल ली है। ये 300 ग्राम मूंग की दाल है और अगर आप कप से इसका मेजरमेंट करें तो ये 1.5 कप मूंग की दाल है और यहाँ मैंने 300 ग्राम के हिसाब से 1/4 मेजर करके चावल लिया है। चावल यहाँ मेरा बासमती चावल है, आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस डोसे को बिना चावल के बनाएं तो भी डोसा बनेगा, बस चावल हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो हमारा डोसा है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो आपको दिखाने के लिए मैंने इसे अलग अलग भिगोया था, आप चाहें तो इसको एक ही साथ बर्तन में भिगो सकते हैं क्योंकि पीसने के लिए हम इसे एक साथ ही पीसेंगे। साथ ही इसके साथ पीसने के लिए यहाँ मैंने 15 से 20 कलियाँ ली हैं लहसुन की, 4 हरी मिर्चें और 5-6 कड़ी पत्ता है। इन सबको हमें मिक्सी में पीस लेना है एक साथ और यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है दाल की, इसलिए आप दाल को थोड़ा थोड़ा ही मिक्सी के जार में डालें और इसको बारीक पीस लें। तो यहाँ मैंने जार में दाल, चावल, लहसुन ये सब डाल दिया है। इसको अभी हम बिना पानी के पीसेंगे, उसके बाद हमें जितना जितना पानी लगेगा उतना हम डाल डाल के थोड़ा बारीक इसको पीस लेंगे। पानी की क्वांटिटी इसको पीसने में कम लगती है। तो ये देखिए बिना पानी की मदद से भी ये अच्छा पीस जाता है। अब इस जार को हम दूसरे बर्तन में खाली करेंगे और बची हुई दाल को पीस लेंगे। जो हमारा उड़द दाल और चावल का जो बैटर बनता है डोसे का, उसके कंपैरिजन ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो इसको आप पानी डाल के बहुत ज़्यादा पतला ना करें और इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद हम इसका डोसा बनाएंगे। यहाँ 5 मिनट इस बैटर को छोड़ने के बाद इसमें हम मिलाएंगे 1/2 चम्मच नमक और हमारा ये बैटर बनके रेडी है। और अब इसको मैं तवा गरम करूँगी और फिर इसका हम डोसा बनाएंगे। मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताना भूल गई कि जो मैंने डोसे के लिए दाल और चावल भिगोया था ये टूटी हुई दाल थी, इसलिए मैंने इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए भिगोया था। 2 घंटे में ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और इनकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। आप इस दाल के बदले साबुत दाल भी ले सकते हैं, पर उसको भिगोने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटा रखना पड़ेगा क्योंकि वो फूलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो 7 से 8 घंटे में वो अच्छे से फूल के मुलायम हो जाएगी। तो चलिए अब डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। आज आप ये डोसा गैस पे भी बना सकते हैं और इंडक्शन पे भी, तो आज मैं आपको इंडक्शन पे बनाना बताऊँगी। सबसे पहले हमें इसका बटन ऑन करना है। यहाँ पे रोटी, चावल या आपको दूध गर्म करना है, कुछ डीप फ्राई करना है, उसके सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है। तो यहाँ फंक्शन है, इस फंक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे डोसा और चपाती लिखा है उस पर आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे और फंक्शन कुछ और यूज़ करना चाहते हैं, इसको आप जितनी बार दबाएंगे ये उतनी बार इधर इधर शिफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ मैंने डोसा और चपाती का टेम्परेचर किया, ये डायरेक्ट करंट है, इसमें आपका जो इंडक्शन की जो हीट है वो बार बार गर्म और ठंडी नहीं होगी, कंटिन्यू जो हीट है वही रहेगी। तवा गर्म है कि नहीं वो देखने के लिए आप इस पर एक बार पानी का छींटा ऐसे लेके करें ताकि पता चले कि हमारा तवा गर्म हो गया है या नहीं। अगर आप ठंडे तवे पे बैटर डालेंगे तो ये डोसा चिपक जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे एक कलछुल उठा के तवे पे डालूँगी और बीच में से आप साइड में लाते लाते इसको ऐसे गोल फैला लें। और 1 मिनट बाद आप इसके साइड में थोड़ा थोड़ा सा ये रिफाइन ऑयल, नॉनस्टिक तवा है तो ये बिना ऑयल के भी बन जाएगा, पर ऑयल डालने से जो हमारा डोसा है वो थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा। इसको 2 से 3 मिनट लगेगा पकने में, उसके बाद आप नीचे इस तरीके से चारों तरफ से जो डोसा है उसको तवे से छुड़ा लें और उसको पलट ले। ये देखिए इधर से बहुत ही क्रिस्पी और जालीदार बहुत ही अच्छा सीका है ये। 2 मिनट पीछे से सेक ले और फिर आपका डोसा रेडी। बहुत ही हेल्दी डोसा होता है ये, इसमें चावल की क्वांटिटी आप अपने डाइट के अनुसार डालें या ना डालें दोनों तरीके से बन जाएगा। वेट लॉस के लिए भी ये डोसा बहुत अच्छा है कंपेरिजन टू उड़द दाल और चावल का जो डोसा बनता है उससे। हमारा ये डोसा बनके रेडी है। इस तरीके से आप अपने सारे डोसे रेडी करें।
नारियल की चटनी या फिर मूंगफली की चटनी, टमाटर की चटनी, आप किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही कम तेल में ये बहुत अच्छे से डोसा, हेल्दी डोसा बनके तैयार है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।